हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिवीजन 50 वर्ड्स का इन 30 मिनट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर संडे को डिवीजन क्लास करते हैं वोकैब्स की, जिससे आपको वर्ड और भी अच्छे से याद होते हैं और आप रिकॉल कर पाते हो कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और अच्छे से ये रिवीजन आप लोग करें, ताकि आपको वोकैब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है एसिड। एसिड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस अप्रूवल और गिव कंसेंट, यानी कि अप्रूवल देना या कंसेंट देना क्या कहलाता है? एसिड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? एंड्रोस या ग्रांट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगी? रिफ्यूज या डिनाई। याद करने की ट्रिक देखिए, टीचर को पिकनिक वाले प्लान पे एसिड करवाने में स्टूडेंट सक्सीड हो गए, यानी पिकनिक वाले प्लान के बाद पे मनवाने के लिए स्टूडेंट्स क्या हो गए? सक्सीड हो गए। अब देखते हैं एग्जांपल, आई विल एसिड टू योर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। तो रिवीजन वीडियो में हम लोग थोड़ा फटाफट वर्ड्स को कवर करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है और आप लोग डेली वीडियोस ज़रूर देखें और साथ में रिवीजन देखें। डेली वीडियोस में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और रिवीजन थोड़ा फटाफट तरीके से करती हूँ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट। फ्रेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वरी और बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्नाइज या ब्रूड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपीज या काम। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरा फ्रेंड बैट हारने पर फ्रेट हो गया, यानी क्या हो गया? अनहैप्पी हो गया। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जांपल देखते हैं, डाउट्स बिगेन टू फ्रेट इन हिज माइंड। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कोएक्स। कोएक्स क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जेंटली और परसिस्टेंटली परसुएट समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को परसुएट करना, यानी अपनी बात में मनवाना, रिपीटेडली कोई एक चीज़ बोलने से मनवाना या जेंटली अच्छे से किसी से अपनी बात को मनवाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कैजुअल या वीडल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फोर्स या बुली। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने अपने बॉस को छुट्टी के लिए कोएक्स किया, यानी अपने बॉस को छुट्टी के लिए परसुएट किया, उसने मनाया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट कोएक्स्ड देम टू गिव अप देयर स्ट्राइक। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इमिशरी। इमिशरी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन सेंट एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन ए स्पेशल मिशन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कि रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे किसी स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया, उसे हम कहते हैं इमिशरी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्वॉय या एम्बेसडर। याद करने की ट्रिक देखिए, दो कंट्री के अच्छे रिलेशन में एम्बेसरी का रोल नेसेसरी है। दो कंट्रीज के अच्छे रिलेशन के लिए एक डिप्लोमेट का, एक अच्छे डिप्लोमेट का क्या होता है? रोल बहुत ही नेसेसरी होता है। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब देखते हैं एग्जांपल, व्हेन प्रेसिडेंट कांट अटेंड अ मीटिंग दे सेंड अ इमिशरी। जब प्रेसिडेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते तो किसको भेजते हैं? वो अपने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फोएस्ट। फोएस्ट क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इम्पोज एन अनवेलकम और अननेसेसरी पर्सन और थिंग ऑन, यानी कि कोई भी चीज़ को इम्पोज कर देना जो कि अनवेलकम है, अच्छा नहीं है, उसे इम्पोज कर देना क्या कहलाता है? कोई थिंग या कोई पर्सन को इम्पोज कर देना क्या कहलाता है? फोएस्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? थ्रस्ट या डंप। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे दोस्त ने अपना काम मुझ पर फोस्ट किया, यानी इम्पोज कर दिया अपना काम मुझ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद रहेगी। अब हमने 5 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ग्रेजुअली एंड सीक्रेटली काउजिंग हार्म, यानी कि धीरे धीरे किसी को नुकसान पहुंचाना या सीक्रेटली सीक्रेट तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है? इंसीडियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्थेटली या स्नीकिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, डिजीज का वायरस इंसीडियस है, यानी कि वो डिजीज का जो वायरस है वो धीरे धीरे हार्म पहुंचा रहा है, सीक्रेट तरीके से हार्म पहुंचा रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर इज एन इंसीडियस कंडीशन विच हैज़ ए वेरी फ्यू सिम्टम्स। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है टेंट। टेंट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डैमेज द क्वालिटी टेस्ट और वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ख़राब करना, उसके टेस्ट को ख़राब करना या उसकी वैल्यू को ख़राब कर देना क्या कहलाता है? टेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडल्ट्रेट या बिफूल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्लीन।
याद करने की ट्रिक देखिए, ब्लैक पेंट करके वॉल को टेंट कर दिया, यानी वॉल को खराब कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सॉरी देखेंगे एग्जाम्पल। हीज रेपुटेशन वॉज परमानेंटली टेंटेड बाय द फाइनेंशियल स्कैंडल। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है अ हॉर्नेस्ट नेस्ट। ये क्या होता है? ये एक ईडियम है, ठीक है, मुहावरा है, जिसका मतलब होता है अ डेंजरस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कैसा सिचुएशन? ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत ही डेंजरस है या कॉम्प्लिकेटेड है। याद करने की ट्रिक देखिए, बर्ड का नेस्ट तोड़कर उसने अपने लिए हॉर्नेस्ट बनाया, यानी बर्ड का नेस्ट उसने तोड़ दिया तो अपने लिए उसने कैसा सिचुएशन बना लिया? डिफिकल्ट सिचुएशन बना लिया। अब सारी बर्ड्स क्या करेंगी? उस पर अटैक कर देंगी, तो ये तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई। तो इस ट्रिक से आप ये ईडियम याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल अटेंडेड द हॉर्नेस्ट नेस्ट ऑफ एंग्री पेरेंट्स। सारे पेरेंट्स एंग्री थे तो ये सिचुएशन प्रिंसिपल के लिए कैसी थी? हॉर्नेस्ट नेस्ट जैसी थी, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, है ना। तो हमने देखा कि इस वर्ड, इस ईडियम को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है कम्फर्टमेंट। कम्फर्टमेंट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग सच एज डिग्री, अवार्ड, टाइटल्स और राइट टू समवन। ये एक एक्ट है, कैसा एक्ट? जिसमें हम किसी को कुछ दे रहे हों, जैसे कि किसी को डिग्री दे रहे हों, कोई सा कोई अवार्ड दे रहे हैं, कोई टाइटल दे रहे हैं, कोई राइट दे रहे हैं किसी को, क्या कहलाता है? कम्फर्टमेंट। ठीक, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बीस्टोवल या कन्फेडल। याद करने की ट्रिक देखिए, उनके ग्रेट अचीवमेंट पे गवर्नमेंट ने उन्हें कम्फर्टमेंट किया, ठीक है, यानी उन्हें कोई अवार्ड दिया इस तरह से। तो इस तरह से हम ये वर्ड याद रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है कॉनंड्रम। कॉनंड्रम क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है या बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, वो क्या कहलाता है? कॉनंड्रम कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वांडरी या स्टम्पर। याद करने की ट्रिक देखिए, रात में कौन ड्रम बजाता है? ये बात सबके लिए कॉनंड्रम है, यानी ये बात सबके लिए कन्फ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन इज फेसिंग अ फैमिलियर कॉनंड्रम। तो इस तरह से हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। अब हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है अनअर्थ। अनअर्थ क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फाइंड समथिंग इन ग्राउंड बाय डिगिंग, यानी कोई भी चीज़ ग्राउंड में छिपा हुआ है उसे फाइंड करना, क्या करके? डिग करके, यानी खुदाई करके, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्ज्यूम या एक्सकवेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बड़ी। याद करने की ट्रिक देखिए, अर्थ के अंदर रखिए ट्रेजर को अनअर्थ किया, यानी अर्थ के अंदर क्या रखा हुआ था? कोई ट्रेजर रखा था, कोई खजाना रखा हुआ था, उसे क्या किया गया? अनअर्थ किया गया, यानी उसे निकाला गया डिग करके, है ना। एग्जाम्पल देखिए, फार्मर्स स्टिल समटाइम्स अनअर्थ ह्यूमन बोन्स हियर। तो ये रही एग्जाम्पल। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है रेप्यूडेट। रेप्यूडेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर देना या किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, क्या कहलाता है? रेप्यूडेट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिनाउंस या डिसेवो। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इम्प्रेस। याद करने की ट्रिक देखिए, कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट को रेप्यूडेट कर दिया गया, यानी कैंडिडेट के का जो डॉक्यूमेंट था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वी रेप्यूडेट दिस काइंड ऑफ इंटॉलरेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है बटरस। बटरस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गिव सपोर्ट टू और स्ट्रेंथ टू समथिंग, यानी किसी भी चीज़ को सपोर्ट देना, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, क्या कहलाता है? बटरस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोर्टिफाई या अंडर पिन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसइंचेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, इस बिजनेस ट्रस्ट को बटरस की ज़रूरत है, यानी इस ये जो बिजनेस है इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन बटरस एन आर्ग्यूमेंट विद सॉलिड फैक्ट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ कॉपीइंग अ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, बैंक नोट और वर्क ऑफ आर्ट। यानी कि ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी के सिग्नेचर को या बैंक नोट को या किसी के आर्ट को कॉपी करना, क्या कहलाता है? फॉर्जरी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? काउंटरफीटिंग या फेकिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, फॉर्जरी करने वालों को फॉरगिव नहीं करना है, यानी जो लोग फॉर्जरी करते हैं, जो लोग दूसरे की मतलब दूसरे के साइन को कॉपी करके करते हैं या किसी कहीं के डॉक्यूमेंट कॉपी करते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है? फॉरगिव नहीं करना है, माफ़ नहीं करना है। एक तरह का क्या है? क्राइम है। एग्जाम्पल देखिए, ही एक्सपेंड 5 ईयर्स इन प्रिजन फॉर फॉर्जरी।
मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड अ चांस. ये क्या है? ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू हैव अ चांस ऑफ सक्सेस. यानी स्टैंड अ चांस मतलब कि जहाँ पे सक्सेस की चांस हो, सक्सेस की उम्मीद हो, उसे हम कहते हैं स्टैंड ऑफ चांस. स्टैंड ऑफ चांस. ट्रिक देखिए, उसका डांस में स्टैंड अ चांस नहीं है. यानी उसका डांस ऐसा है जिसमें सक्सेस की कोई भी उम्मीद नहीं है. यानी उसके डांस में स्टैंड अ चांस नहीं है. एग्जाम्पल देखिए, ही डजंट स्टैंड मच ऑफ अ चांस इन द इलेक्शन. वो इलेक्शन में खड़े तो हुए हैं लेकिन उनका इलेक्शन में कोई स्टैंड अ चांस नहीं है. यानी कोई उम्मीद नहीं है उनकी जीतने की. ठीक है, तो अब हम 15 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे. नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेज. प्रीसेज क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बी अ साइन और वार्निंग ऑफ अन इमिनेंट इवेंट, टिपिकली एन अनवेलकम वन. यानी कि किसी भी चीज़ का साइन होना, वार्निंग होना. किस चीज़ का? कोई ऐसा चीज़ जो अनवेलकम है, कुछ अशुभ होने वाला है, उसका साइन या वार्निंग बनना क्या कहलाता है? प्रीसेज. सिनोनिम्स देखिए, पोर्टेंट या अगर. याद करने की ट्रिक देखिए, सेज ने पहले ही पैंडेमिक का प्रीसेज कर लिया था. सेज ने पहले ही, सेज यानी क्या? संत महात्मा. उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कोई पैंडेमिक होने वाला है, तो कोई अनवेलकम चीज़ जो कि कोई अशुभ चीज़ है, उसका उन्होंने पहले ही प्रीसेज कर लिया था. तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी. एग्जाम्पल देखिए, मेनी इन्वेस्टर्स आर वरीड एट द करंट स्लो डाउन कुड प्रीसेज अनदर रिसेशन. उम्मीद करनी हो आप सारे वर्ड्स रिकॉल कर पा रहे होगे. इससे आप चेक कर पा रहे हो कि आपको कितने वर्ड्स याद हैं. आप अपनी नोटबुक पे ये जरूर नोट करें कि आप में आपको इन 50 वर्ड्स में कितने वर्ड्स पहले से याद थे. ठीक है, तो इससे आप अपने इवेल्युएशन कर पाएंगे. और कमेंट बॉक्स में बाद में ज़रूर बताएं कि आपके कितने वर्ड्स सही हुए थे. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है सीडेट. सीडेट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काम या अनहरीड. यानी बिल्कुल भी शांत होना, बिल्कुल भी हड़बड़ी ना होना क्या कहलाता है? सीडेट. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल या प्लेसिड. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्साइटिंग या वाइल्ड. याद करने की ट्रिक देखिए, सेठ सीडेट होकर अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था. सेठ बिल्कुल शांत होकर अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी एक्सपेंड अ सीडेट इवनिंग एट होम. मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है नोजेलिया. ये क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड समटाइम्स स्लाइट सैडनेस एट द सेम टाइम एज यू थिंक अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन पास्ट. कोई ऐसी चीज़ जो कि पास्ट में हुई हो और उसे याद करके आपको खुशी तो हो रही है. मान लीजिए हम जब अपने बचपन की चीज़ें याद करते हैं तो हमें याद करके खुशी तो होती है, लेकिन साथ में थोड़ा दुख भी होता है कि वो दिन अब कहाँ मिलेंगे हमें, है ना? वो दिन हम लौट कर नहीं ला सकते. तो ये कैसी वाली फीलिंग है? यही फीलिंग है जिसमें थोड़ा खुशी थोड़ा गम दोनों मिक्स रहता है. तो इस टाइप की फीलिंग क्या कहलाती है? नोजेलिया. ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिमेम्बरेंस या रेमिसेंस. याद करने की ट्रिक देखिए, हॉस्टल के डेज याद करना नोजेलिया है. यानी हॉस्टल की डेज याद करना, मिक्स्ड फीलिंग होती है उसमें, खुशी और गम दोनों. एग्जाम्पल देखिए, अ वेव ऑफ नोजेलिया स्वेप्ट ओवर मी व्हेन आई सॉ माय चाइल्डहुड होम. मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसर्टिंग. डिसकंसर्टिंग क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेकिंग समवन फील अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड. यानी किसी को अनसर्टेन फील कराना, अनकंफर्टेबल फील कराना, वो ऐसा फील कराना कि वो घबरा जाए, क्या कहलाता है? डिसकंसर्टिंग. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? परबर्टिंग या अनसेटलिंग. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीअश्योरिंग. याद करने की ट्रिक देखिए, कंसर्ट में सॉन्ग की लाइंस भूलने पर मैं डिसकंसर्टिंग हो गई. यानी जब कंसर्ट में मैं अपनी सॉन्ग की लाइन भूल गई तो मैं क्या हो गई? वरीड हो गई. ठीक, या अनकंफर्टेबल होने लगी मैं. एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज डिसकंसर्टिंग टू सी द वर्क हैड नॉट इवन स्टार्टेड. तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे. मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड है टर्न डाउन. टर्न डाउन क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है रिजेक्ट समथिंग ऑफर्ड और प्रपोज्ड. यानी कोई भी चीज़ जो आपको ऑफर की गई है, आपको प्रपोज्ड की गई है, उसे रिजेक्ट कर देना क्या कहलाता है? टर्न डाउन. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पर्न या रिबफ. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट. याद करने की ट्रिक देखिए, मेरा टर्न आने से पहले ही प्लान को टर्न डाउन कर दिया गया. यानी मेरा टर्न आने से पहले ही प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया. तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी. एग्जाम्पल देखिए, ही टर्न डाउन द जॉब बिकॉज इट इन्वॉल्व टू मच ट्रैवलिंग. तो अब हम 20 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं. मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे. नेक्स्ट वर्ड है डैम्पन. डैम्पन क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस. यानी कोई भी चीज़ है उसे लेस स्ट्रॉन्ग कर देना, या कोई भी चीज़ गंभीर है उसे कम कर देना. ठीक है, उसी गंभीरता कम कर देना, लेस इंटेंस कर देना. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लेशन या डिमिनिश. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हाइटेंड.
याद करने की ट्रिक देखिए, अर्थक्वैक ने डैम को डैम्पन कर दिया, यानी अर्थक्वैक ने डैम को कमजोर कर दिया, लेस स्ट्रॉन्ग कर दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, नथिंग सीम्स टू डैम्पन हिज एंथुसिएज्म। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैटिक। इम्पैटिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग समथिंग फोर्सिबली और क्लियरली, यानी कोई भी चीज़ को फोर्सिबली बताना, क्लियरली बताना, स्पष्ट रूप से बताना या स्ट्रॉन्ग तरीके से बताना, हिंदी में कहेंगे जोरदार। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेहेमेंट या होल हार्टेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हेसिस्टेंट या टेंटेटिव। याद करने की ट्रिक देखिए, एक्वेटिक लाइफ को सेव करने के बाद मिनिस्टर ने इम्फैटिक होकर बोला, यानी उन्होंने ये बात जोर लगा के बोली, उन्होंने ये बात क्लियरली बोली। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज इम्फैटिक द इवेंट शुड गो अहेड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक समथिंग क्लियर, एक्सप्लेन, यानी किसी भी चीज़ को क्लियर करना, एक्सप्लेन करना, स्पष्ट करना, क्या कहलाता है? इल्यूसिडेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सप्लिकेट या इल्यूमिनेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज या ऑब्सक्योर। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने मुझे कम्युनिकेट करके सारे डाउट्स को इल्यूसिडेट किया, तो उसने मुझसे कम्युनिकेट किया और जितने भी डाउट्स थे मेरे, उसने उसे क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ये ट्रिक्स आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ इल्यूसिडेट द रीज़न ऑफ योर डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग अगेन और बिकमिंग पॉपुलर अगेन, यानी कोई भी चीज़ जो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गई है या पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई है, क्या कहलाता है? रिसर्जेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्विग्रेट या रिनेसेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डोरमेंट या लैटेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, पेट्रोल की अर्जेंट डिमांड बढ़ने पर उसकी प्राइसेस रिसर्जेंट हो गई, यानी पेट्रोल की डिमांड बढ़ने पे उसकी प्राइसेस फिर से बढ़ने लगी। एग्जाम्पल देखिए, जेन होप फॉर अ रिसर्जेंट इन हर एनर्जी आफ्टर सी टुक अ नैप। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मॉप अप। मॉप अप क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फिनिश डीलिंग विद समथिंग, यानी कोई भी चीज़ जो कोई भी काम हम कर रहे हैं उसे डील करना, खत्म कर देते हैं, जब वो कहलाता है मॉप अप करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फिनिश ऑफ या मेक एन एंड ऑफ। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रिमिनल्स को लॉकअप में बंद करके केस को पुलिस ने मॉप अप किया, यानी केस को पुलिस ने खत्म कर दिया उससे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही मॉप्ड अप द रेस्ट ऑफ हिज बिजनेस एंड वेंट ऑन अ वैकेशन। तो अब तक हम 30 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। माफी चाहूंगी, अभी तक हम लोग 25 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गैदर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन और अप्रूवल, यानी किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना या गैदर करना, लेकिन कौन सी चीज़? कोई इन्फॉर्मेशन या कोई अप्रूवल को, हिंदी में कहेंगे संचित करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट या अमास। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्पर्स या बैनस। याद करने की ट्रिक देखिए, गार्डन में पुलिस एविडेंस गार्नर करने गई, यानी कोई केस है उसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन थी उसे गार्नर करने यानी गैदर करने पुलिस गार्डन में गई। एग्जाम्पल देखिए, सी गार्नर्ड मोर एविडेंस टू सपोर्ट हर थ्योरी। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डिसिडेंस। डिसिडेंस क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी, यानी प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी है, ऑफिशियल पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना, हिंदी में कहेंगे विरोधी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसेंट या डिसअकॉर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट या एक्सेप्टेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के बाहर पब्लिक डिसिडेंस कर रही, यानी प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के बाहर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही। एग्जाम्पल देखिए, एनी फॉर्म ऑफ डिसिडेंस इज फॉरबिडन इन कंट्री। किसी भी तरह का डिसिडेंस यानी किसी भी तरह का विरोध फॉरबिडन है कंट्री में। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सेक। सेक क्या होता है? ये एक वर्ब है, ये एक नाउन नहीं, ये बॉडी वाला सेक नहीं है, वर्ब है। ठीक है, डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट यानी किसी को नौकरी से निकाल देना, डिसमिस कर देना, हिंदी में कहेंगे बर्खास्त करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? थ्रो आउट या गेट रिड ऑफ। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हायर या टेक ऑन। याद करने की ट्रिक देखिए, लैक ऑफ स्किल के कारण कंपनी ने वर्कर को सैक किया, यानी स्किल कम थी इसलिए कंपनी ने वर्कर को सैक कर दिया यानी कि निकाल दिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दे सैक हर फॉर बीइंग लेट। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। सेंसर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग, यानी किसी की बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव कर देना किसी को, यानी उसकी निंदा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंडेम या कास्ट साइज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेज या कमेंड। याद करने की ट्रिक देखिए, कोर्ट ने गवर्नमेंट के आंसर ना देने पर सेंसर किया यानी उनकी निंदा की।
नेक्स्ट वर्ड है रोल आउट. रोल आउट एक फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑब्वियसली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस. यानी कोई भी नया प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, उसे ऑब्वियसली लॉन्च करना या इंट्रोड्यूस करना. ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लॉन्च, इंट्रोड्यूस या ऑर्गेनाइज. याद करने की ट्रिक देखिए, कंपनी अपने ओल्ड कार मॉडल्स को आउट करके न्यू मॉडल्स को रोल आउट करेगी, ओल्ड मॉडल्स को हटा देगी और न्यू मॉडल्स को लॉन्च करेगी, है ना. इस ट्रिक से आपको एक वर्ड याद रहेगी. एग्जाम्पल देखिए, द कंपनी इज प्लानिंग टू रोल आउट देयर ब्रांड न्यू फोन डिजाइन टुडे. अब तक हम लोग 30 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे. नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक. फ्लेक एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म. ठीक है, किसी के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, उसके विरोध में बोलना. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंसर या ऑप्रोब्रियम. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट या प्रेज. याद करने की ट्रिक देखिए, लैक ऑफ एनर्जी वाले एम्प्लॉयज़ को फ्लैक मिला, यानी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म मिली. एग्जाम्पल देखिए, द अनहैप्पी कस्टमर गेव हिम फ्लैक फॉर लॉन्ग वेट. नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्टी. रिक्वेस्टी क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मेन नेसेसरी बाय पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन. कोई भी चीज़ जिसको नेसेसरी कर दिया जाए, यानी उसे कंपलसरी कर दिया जाए किसी रेगुलेशन के कारण या किसी ऐसे सर्कमस्टांस हो जाए जिस वजह से कोई भी चीज़ नेसेसरी हो जाए. ठीक है, हिंदी में कहेंगे अपेक्षित. सिनोनिम्स देखिए, नेसेसरी या वाइटल. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शनल या अननेसेसरी. याद करने की ट्रिक देखिए, टीचर्स के रिक्वेस्ट पे प्रिंसिपल ने इंग्लिश स्पीकिंग को रिक्वेस्टी बनाया, यानी कि नेसेसरी बनाया. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट रिक्वेस्टी टू ह्यूमन ग्रेटनेस. सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है ह्यूमन की ग्रेटनेस के लिए. नेक्स्ट वर्ड है इन्यूडेशन. इनंडेशन क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है an overwhelming evidence of people or things. यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ का होना या बहुत ज़्यादा नंबर में जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं inundation. हिंदी में कहेंगे सैलाब. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लड या इन्फ्लक्स. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्राउट या दर्द. याद करने की ट्रिक देखिए, ऑडिशन में पार्टिसिपेंट्स का inundation आ गया, यानी ऑडिशन में बहुत सारे लोग आ गए एक साथ, लोगों का सैलाब आ गया. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हर ऑफिस वॉज inundated with request for tickets. नेक्स्ट वर्ड है हाइटस. हाइटस क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पाउज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी. ठीक है, कोई भी चीज़ जो चल रही है उसमें पाउज आ जाना, ब्रेक आ जाना. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंटरवल या लैकुना. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूएंस या प्रोलोंगेशन. याद करने की ट्रिक देखिए, अच्छी स्टेटस उनको मिलती है जो एफर्ट में हाइटस नहीं लाते, यानी अपने एफर्ट में ब्रेक नहीं लाते. नेक्स्ट वर्ड है इन द थ्रोन्स ऑफ. ये एक इन द थ्रोज ऑफ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ डूइंग और डीलिंग समथिंग विद समथिंग वेरी डिफिकल्ट और पेनफुल. यानी कोई भी पेनफुल चीज़ या कोई भी डिफिकल्ट चीज़ आप कर रहे हो उसके मिडिल में होना या उसे डील करना क्या कहलाता है, इन द थ्रोज ऑफ. याद करने की ट्रिक देखिए, थ्रोन्स पे वॉक करना इन थ्रोज ऑफ है, यानी जब थ्रोन्स पे वॉक करेंगे वो एक डिफिकल्ट काम है, तो वो क्या कहलाएगा, इन द थ्रोज ऑफ. एग्जाम्पल, द कंट्री इज प्रेजेंटली इन द थ्रोज ऑफ वर्स्ट रिसेशन. अब तक हम 35 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड है वेंटेज. वेंटेज एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ प्लेस और पोजिशन अफोर्डिंग अ गुड व्यू ऑफ समथिंग. यानी ऐसा जगह या ऐसी पोजिशन जहाँ से किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा व्यू आ रहा हो, अच्छा नज़ारा दिख रहा हो. हिंदी में कहेंगे सहूलियत. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आउटलुक या स्टैंड पॉइंट. याद करने की ट्रिक देखिए, कॉटेज का टॉप रूम माउंटेन व्यू के लिए वेंटेज है, यानी माउंटेन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जगह है, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डेट स्टार कुड बी सीन फ्रॉम अ सर्टेन वेंटेज पॉइंट. नेक्स्ट वर्ड है एंग्स्ट. एंग्स्ट क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ डीप एंग्जाइटी और अनहैप्पीनेस. यानी कैसी फीलिंग होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा घबराहट या अनहैप्पीनेस, सैड होना क्या कहलाता है, एंग्स्ट. हिंदी में कहेंगे घबराहट या गुस्सा. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रेड या अप्रहेंशन. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, काम या पेशेंस. ट्रिक देखिए, बिन बुलाए गेस्ट के आने पे लोग एंग्स्ट हो जाते हैं. जो लोग को हम बुलाते नहीं हैं वो आ जाते हैं, तो हम कैसे फीलिंग आती है एंग्स्ट वाली, हम बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा होने लगता है, है ना. एग्जाम्पल देखिए, नॉट बींग एबल टू फाइंड अ न्यू जॉब इज कॉजिंग मी ग्रेट एंग्स्ट. नेक्स्ट वर्ड है इंश्यू. इंश्यू क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है हैपन और ऑकर आफ्टर वर्ड्स और एज अ रिजल्ट. यानी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के बाद हो रही है या किसी चीज़ के परिणाम स्वरूप कुछ हो रही है उसे हम कहते हैं इंश्यू. हिंदी में कहेंगे पीछे में घटित होना. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्टर्न या इनमेट. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रीशीड या हॉल्ट. याद करने की ट्रिक देखिए, फ्यू ड्यू होने पर पेनल्टी इंश्यू हुआ. फी ना देने पे उसके रिजल्ट में क्या हुआ, पेनल्टी इंश्यू हुआ. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थिंग्स वुड गो बैक टू नॉर्मल फॉर अ वाइल बट देन अनदर फाइट वुड इंश्यू.
ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्यूलेट। इम्यूलेट क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कॉपी समवन्स बिहेवियर और लाइक टू बी और ट्राई टू बी लाइक समवन एल्स, यानी किसी का बिहेवियर कॉपी करना या किसी के तरह होने का कोशिश करना क्या कहलाता है? इम्यूलेट। हिंदी में कहेंगे अनुकरण। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनिमेट या मिमिक। याद करने की ट्रिक देखिए, ग्रेट लीडर्स को यंग पॉलिटिशियन इल्यूमेट करते हैं, यानी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट स्टूडेंट्स विश टू इल्यूमेट इम्यूलेट अलेक्जेंडर द ग्रेट। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फेज आउट। फेज आउट क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है विड्रॉ समथिंग फ्रॉम यूज इन ग्रेजुअल स्टेजेस, यानी किसी भी चीज़ को धीरे धीरे ग्रेजुअल स्टेजेस में उसको विड्रॉ कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एज ऑफ या वाइंड डाउन। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हर फेज में स्टूडेंट्स को फेज आउट किया जाता है, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तीन लेवल के मान लीजिए होते हैं, प्री मेंस देन इंटरव्यू, तो हर एक स्टेज पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स को निकाला जाता है बाहर, तो क्या किया जाता है उन्हें फेज आउट किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लाइक ऑल ब्रांड्स दे इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स एंड फेज आउट ओल्डर वंस, ठीक है। अब तक हम 40 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंस। रेटिसेंस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अन अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और वॉक टू और टॉक अबाउट समथिंग, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है, आप अनविलिंग हो कोई भी काम करने से या किसी बारे में बात करने से। हिंदी में कहेंगे अल्पभाषित। सिनोनिम्स देखिए, डिफिडेंस या इंट्रोवर्सन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कैंडिड या आउटस्पोकन। याद करने की ट्रिक देखिए, पेशेंट रेटिसेंस होते हैं, यानी पेशेंस को बहुत बार उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता, उन्हें बात करने की मन नहीं करती, है ना, तो पेशेंट क्या होते हैं? रेटिसेंस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज रेटिसेंस अबाउट हिज पास्ट मेड हिम वेरी सस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है अनटीनिएबल। अनटीनिएबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, यानी कोई भी चीज़ जिसे हम डिफेंड जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, असमर्थ हो, क्या कहलाता है? अनटीनेबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनडिफेंसिबल या फ्लिमसी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टीनेबल या डिफेंसिबल। याद करने की ट्रिक देखिए, अनएजुकेटेड लोग साइबर क्राइम में अनटीनेबल होते हैं, यानी जो लोग एजुकेटेड नहीं है वो साइबर क्राइम से अपने आप को बचा नहीं पाते, ठीक है, अपने आप को साइबर क्राइम से बचाने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनसर्टन या लाइकली टू फॉल और सफर हार्म, यानी कोई भी चीज़ जो कि अनिश्चित है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसमें हार्म पहुँच सकता है या उस वो फॉल हो सकता है ना, वर्नेबल होना क्या कहलाता है? प्रिकेरियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनरियलेबल या इफी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेफ या सिक्योर। याद करने की ट्रिक देखिए, क्लास की प्रॉपर केयर ना करने पे वो प्रिकेरियस हो जाएगा, यानी उस वो क्या हो सकता है? फॉल हो सकता है, वो टूट सकता है। एग्जाम्पल देखिए, सी पुट हर सेल्फ इन अ प्रिकेरियस सिचुएशन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है टार्डी, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्लो इन एक्शन और रिस्पॉन्स, यानी कोई भी कैसा होना, एक्शन में स्लो होना, धीरे होना या रिस्पॉन्स करने में स्लो होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्लगिश या डिलेटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पंचुअल या अर्ली। याद करने की ट्रिक देखिए, टार्डी होकर स्टडी करने से सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। अगर हम टार्डी हो जाए, अगर हम अपने एक्शन में स्लो हो, ठीक है, तो हमें सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देखिए, अवॉइड बींग टार्डी फॉर अ जॉब इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अगेंस्ट। होल्ड अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलाउ पास्ट एक्शन और सर्कमस्टांसेस टू हैव अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन वंस प्रेजेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स समवन, यानी कि पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ हो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट पे पड़ रहा हो, किसी के प्रति आपके स्वभाव पे, है ना। हो सकता है कि ओल्ड टाइम में आपको किसी से दुश्मनी रही हो और प्रेजेंट में वही बात आपके दिमाग में हो और वो इंसान का आपके अंदर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, आप उसके तरफ नेगेटिव बिहेवियर रखते हो, ठीक है। ट्रिक देखिए, ओल्ड एनिमीज को होल्ड अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, तो ओल्ड एनिमीज जो हैं पुरानी बातें भुला देनी चाहिए और उनके खिलाफ उनके प्रति नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं रखना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक बट डोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी, ठीक है। अब हम 45 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं, मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है इनवॉएबल। इनवॉएबल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नेवर टू बी ब्रोकन इन्फ्रिंज्ड और डिसऑनर्ड, यानी कोई भी चीज़ जो कभी टूट नहीं सकती या कभी इन्फ्रिंज नहीं हो सकती, यानी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता या उसे डिसऑनर नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? इनवॉएबल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनअलाइनेबल या इम्प्रेग्नेबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पार्शियल
याद करने की ट्रिक देखिए, मेरा टेबल इनवायलेबल है, यानी मेरा टेबल कभी नहीं टूट सकता। एग्जाम्पल देखिए, द रूल्स ऑफ कर्फ्यू आर इनवायलेबल। नेक्स्ट वर्ड है बिलीगर। बिलीगर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काउज प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज फॉर, यानी कोई भी चीज़ जो कि प्रॉब्लम काउज कर सकती है, डिफिकल्टी काउज कर सकती है। हिंदी में कहेंगे तंग करना। सिनोनिम्स देखिए, ट्रबल या अंडर द कोश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऐड या असिस्ट। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करना क्या कहलाता है? बिलीगर कहलाता है। ट्रिक देखिए, लिक्योर पीकर वो सबके लिए बिलीगर कर रहा था। लिक्योर यानी शराब, ठीक है, शराब पीकर वो सबके लिए क्या कर रहा था? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम काउज कर रहा था। एग्जाम्पल देखिए, द स्कूल बुली विल ऑफन बिलीगर द स्मॉलर किड्स। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेट। डिफ्लेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेक समवन सडनली लूज कॉन्फिडेंस, यानी अचानक से किसी को कॉन्फिडेंस लूज करवा देना, क्या कहलाता है? डिफ्लेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सबड्यूड या ह्यूमिलेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रेंडाइज। याद करने की ट्रिक देखिए, इंटरव्यू में लेट आने पर मुझे डिफ्लेट किया गया, यानी मेरी कॉन्फिडेंस लूज हो गई इंटरव्यू में लेट आने से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हार्ड क्रिटिसिज्म कैन डिफ्लेट हर। नेक्स्ट वर्ड है बिग्विलिंग। बिग्विलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चार्मिंग और अट्रैक्टिव, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत चार्मिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, हिंदी में कहेंगे आकर्षक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनचैंटिंग या प्लेजिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनप्लेजिंग या अनअपीलिंग या बोरिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, इस बिल्डिंग की पेंटिंग बिग्विलिंग है, यानी इस बिल्डिंग की पेंटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ईच बैग इज एडॉर्न्ड विद अ बिलिंगिन डोज प्रिंट। नेक्स्ट वर्ड है सरमाइज। सरमाइज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सपोज डैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कन्फर्म इट, ऐसा मानना कि कोई भी चीज़ सच है बिना किसी सबूत के, ठीक, हिंदी में कहेंगे शंका। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंजेक्चर या सस्पेक्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रूव या वैलिडेट। याद करने की ट्रिक देखिए, सन ईस्ट में राइज करता है, ये फैक्ट है, सरमाइज नहीं, यानी इस चीज़ की हमारे पास प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि बस उसे मान बैठे हैं। ठीक है, तो अब हम 50 के 50 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, आपने ट्रिक्स सारे इन्जॉय किए होंगे और आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। दिस इज़ ओनली द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और अपनी फीडबैक ज़रूर दें वीडियो के कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Keep watching this vocab so regularly for your vocab improvement. Thank you.